गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज की क्लासेस में हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 फुल्ली एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में एक्चुअली आपको जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझना है। तो इसके लिए एक्चुअली मैंने फर्स्ट क्लासेस में पूरे चैप्टर का एक समराइज हमने किया हुआ था और कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, बट इंडिविजुअल एक्सरसाइज से पहले भी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज अगर एक फंक्शन है पी एक्स और ये पी एक्स फंक्शन एक पॉलिनोमियल है और अगर आपने एक्स की जगह पे ए पुटअप किया और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो इस कंडीशन में ए इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गई और इसके बारे में डिटेल्स हम लोग एक्सरसाइज में भी देखेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स का मतलब क्या होता है। कि अगर कोई भी फंक्शन fx दिया हुआ है और उस fx फंक्शन में सपोज दिया हुआ 2x² + 3 दिया हुआ है और अगर x की जगह समथिंग कोई वैल्यू पुटअप कर देते हैं और उसका रिजल्ट जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में ये इस वैल्यू के लिए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है, फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हम जीरोज फाइंड आउट कर रहे हैं किसी पॉलीनोमियल का, इसका मतलब कि हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल हैज नो जीरो। अगर कोई वैल्यूज हमने पुटअप किया और इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इस कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए वो उसका जीरोज नहीं है। एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलीनोमियल। सारे रियल नंबर जो हैं वो अपने लिए एक जीरो पॉलीनोमियल है, क्योंकि अगर हमने 2 लिखा है दैट मीन्स 2 × x^0 और x का हाईएस्ट पावर आपका 0 है, दैट मीन्स ये आपका एक जीरो पॉलीनोमियल है। एवरी लीनियर पॉलीनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। सपोज अगर 2x + 3 लिखा हुआ है इक्वल टू जीरो तो x की केवल एक वैल्यू आएगी। तो इस टाइप के एक एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। अ पॉलीनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, और पॉलीनोमियल का वन से ज़्यादा जीरो हो सकते हैं। जीरो मीन्स जो वेरिएबल है उसके वैल्यूज, जैसे एक्स का पावर 2 है तो एक्स की दो वैल्यूज आएगी, x^3 अगर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब उसके 3 वैल्यूज आएंगी। तो एक्स के जो वैल्यूज आएंगे, जो वेरिएबल के वैल्यूज आएंगे, उन्हें ही हम लोग जीरोज कहते हैं। अ जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल, किसी भी पॉलीनोमियल का जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि वो जीरो ही होगा। जीरो मे बी अ जीरो पॉलीनोमियल और नॉट, जीरो पॉलीनोमियल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए अब हम लोग फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.2 इसके प्रॉपर्टीज को अब हम लोग समझते हैं। ओके, तो पहला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलीनोमियल 5x - 4x² + 3। अब इस पॉलीनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है पहला कंडीशन में व्हेन x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक फंक्शन px है तो इस px को पॉलीनोमियल फॉर्मेशन में हमने ले लिया। अब इस पॉलीनोमियल फंक्शंस में x इज इक्वल टू 0 मीन्स x की जगह 0 पुटअप किया तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह हम 0 पुटअप कर लेते हैं। सो 5 × 0 - 4 × 0 + 3, रिजल्ट आपका होगा 3। दस द वैल्यू ऑफ दिस पॉलीनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 इज 3। अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो गिवन पॉलीनोमियल का जो वैल्यू होगा वो आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि अगर ये पॉलीनोमियल हमारे पास गिवन है और x की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू -1 के लिए इस पॉलीनोमियल की वैल्यूज क्या हो जाएगी। तो सेम कंडीशन में x की जगह पे -1 पुट अप करते हैं, x की जगह पे -1, x - 1² + 3 - +3। अब सॉल्व करते हैं तो ये होगा -5। नाउ -1² - प्लस हो जाएगा, सो ये -4, -5 -4 + 3, -5 -4 + 3,
और सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा -9 + 3 = -6। सो इस पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू को -1 ले लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो होगी -6। सिमिलरली आप x इजिकल टू इस एक्सप्रेशन में 2 पुट अप करते हैं और 2 पुट अप करने के बाद सिंप्लीफाई जब आप करेंगे पुट अप करने के बाद तो अगेन इसकी वैल्यू आएगी -3। इसका मतलब हो गया कि अगर पी एक्स सॉल्यूशन में x की वैल्यू 2 लेते हैं तो इस गिवन पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जो होगा वो -3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ओके, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही ये सेकंड क्वेश्चन है। तो अब हमें इसमें p0 मीन्स सभी में, जैसे फर्स्ट में y की वैल्यू 0 पुट अप करनी है, सेकंड में t की वैल्यू 0 पुट अप करनी है, थर्ड में x की वैल्यू 0 पुट अप करनी है और फोर्थ में x की वैल्यू को 0 पुट अप करनी है और इनके रिजल्ट को निकालना है। मतलब p0 की वैल्यू 1, 2, 3, 4 के लिए क्या हो जाएगी। सो p0 y के मतलब 0, ये 0 पुट अप करते हैं। अगर 0 पुट अप किया, 0² - 0 + 1 और सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यूज 1 हो जाती है। सेम आप नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं और इस नेक्स्ट इक्वेशन में pt 2t + 2t² - 3 है, पॉलिनोमियल हमने गिवन कर लिया और हमें यहाँ निकालना p0। पहला है p0, p0 मीन्स t की जगह पे सभी जगह 0 पुट अप कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट हमारा 2 आता है। सिमिलरली p0 की जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग हम थर्ड निकालेंगे, अगर x की वैल्यू 0 पुट अप किया तो ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा 0। सिमिलरली p0 का अगर हम फोर्थ में आते हैं, x की जगह 0 पुट अप करते हैं, 0 - 1 × 0 + 1 दैट मीन्स -1 × 1 रिजल्ट हो जाएगा -1। तो जो वैल्यू p0 के लिए हमने 1, 2, 3, 4 में निकाली है, सेम वे आपको p1 की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 के लिए निकालनी है। ऑन द सेम वे आपको p2 की जो वैल्यूज है वो भी आपको 1, 2, 3, 4 में निकालनी है। p2 मीन्स y की जगह 2 पुट अप करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने y की जगह 0 पुट अप करके सिंप्लीफाई किया हुआ यहाँ पर इस एग्जांपल में। सेम p2 मीन्स यहाँ पर t की वैल्यू 2 पुट अप करके सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ में आप ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब थर्ड में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमें यह चेक करना है कि जो क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू दी हुई है क्या वो उसका जीरो है या नहीं है। जैसे पहला एग्जांपल को देखते हैं, px = 3x + 1 वेयर x = -1/3। तो इसका मतलब है कि x = -1/3 अगर हमने पुटअप किया इस एक्सप्रेशन में तो हमें बताना है कि क्या x - 1/3 ये गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो इसको इसकी प्रॉपर्टीज में हमने बताया था कि अगर हमको जीरो चेक करना हो किसी नंबर के लिए तो x की जगह पे अगर -1/3 हम पुटअप कर लेते हैं और गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, दैट मीन्स x की इस वैल्यू के लिए ये इसका जीरो हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारा px = 3 + 1 है और हमें चेक करना है x = -1/3 पे। तो x की जगह पे -1/3 हमने ले लिया, सो 3 × x, सो 3 × -1/3 + 1 + 1 और ये सिंप्लीफाई करने के बाद 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा इस जगह पे -1, यहाँ +1 - 1 + 1 जीरो हो गया। तो ये जीरो ये बताता है कि x = -1/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोस है। ऑन द सेम वे अगर हमने px = 5x - π में x = 4/5 चेक किया कि क्या ये जीरोस इस एक्सप्रेशन के लिए है या नहीं है, तो सेकंड वाले पार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर
सेकंड वाले पार्ट में पी एक्स इजकल टू फाइव एक्स माइनस पाई में चेक करना है कि एक्स इजकल टू फोर बाई फाइव इसका जीरोज है या नहीं है, तो एक्स की जगह पे फोर बाई फाइव पुटअप कर लेते हैं। फाइव फाइव कैंसिल हो गया, फोर माइनस फाइव इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इजकल टू फोर बाई फाइव इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। अकॉर्डिंग टू दिस वन, जैसे थर्ड में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू वन और माइनस वन, दैट मीन्स कि पी एक्स जो ये पॉलीनोमियल है इसमें चेक करना है कि एक्स वन क्या इसका जीरो है, अदरवाइज एक्स स्क्वायर टू माइनस वन इसका जीरो है, ये दोनों चेक करने हैं। दोनों कैसे चेक करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है पी एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो पहले हम वन पे चेक करते हैं। एक्स की जगह पे अगर वन पुटअप कर लिया सो वन माइनस वन जीरो, इसका मतलब कि एक्स इजिकल टू वन जो है वो गिवन पॉलीनोमियल्स का जीरो है। नेक्स्ट जो हमें चेक करना है एक्स इजिकल टू माइनस वन पे, तो एक्स की जगह पे माइनस वन पुटअप किया, एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर होगा आपका प्लस वन एंड माइनस वन जीरो, इसका मतलब p माइनस वन जीरो है, सो x इज इक्वल टू माइनस वन इज ऑल्सो जीरो ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, तो ये भी इसका जीरोस है। तो सेम वे जो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन आएंगे, फिफ्थ आएंगे, सिक्स आएंगे, सेवन्थ आएंगे एंड एट्थ आएंगे, सभी में हमको सेम वे में इनके जीरोस को चेक करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये कंसर्न इनके जीरो हैं या नहीं है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर एट। इस एट में जैसे पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसमें चेक करना है एक्स इजिकल टू माइनस वन बाई थ्री इसका जीरो है या नहीं है, अदरवाइज एक्स इजिकल टू टू बाई थ्री इनका जीरो है या नहीं है। तो इनके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो पहला एक्स की जो वैल्यू दी हुई थी एक्स इजिकल टू माइनस वन बाई रूट थ्री इसमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे x की जगह पे माइनस वन बाई रूट थ्री पुटअप कर लिया, दैट मीन्स स्क्वायर, सो स्क्वायर कर लिया, और इनका अगर हम स्क्वायर करें तो माइनस वन का जो स्क्वायर होगा वो प्लस वन हो जाएगा, रूट थ्री का एक स्क्वायर करते हैं तो वो थ्री हो जाता है, सो रिजल्ट आता है थ्री इंटू वन बाई थ्री, वन थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, सो आपको ये वन होगा, सो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये मिला कि अगर p माइनस वन बाय रूट थ्री की वैल्यू जीरो हो गई, सो माइनस वन बाय रूट थ्री इज जीरो ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट सेम वे हमें चेक करना है x इजिकल टू टू बाय रूट थ्री को भी चेक करना है, तो अगेन सेम एक्सप्रेशन में अगर x की जगह पे टू बाय रूट थ्री पुटअप कर लें और इस ब्रैकेट को ओपन करें, टू टू द पावर टू मीन्स फोर हो जाएगा, रूट थ्री स्क्वायर मीन्स थ्री हो जाएगा, और थ्री थ्री कैंसिल होने के बाद फोर माइनस वन इक्वल टू रूट थ्री, सॉरी थ्री, फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री, और सिंस इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, सो पी टू अपॉन रूट थ्री का जो वैल्यूज आया इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, सो ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि टू अपॉन रूट थ्री इज़ नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। तो आई होप सो कि ये फोर फाइव जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ काफ़ी तरह से क्लियर हो पा रहा होगा। अब हम लोग इसी के जो अगले क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हैं उसमें आते हैं और इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसको कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है विद प्रॉपर्टीज। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब इस केस में हमको इनके जीरोस को फाइंड आउट करना है। पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस फाइव, इनके जीरोस क्या होंगे? तो इसका सिंपल मैथड होता है कि आप पी एक्स इजिकल टू पहले जीरो कर लीजिए। अगर पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस फाइव है तो आप कर लीजिए पी एक्स इजकल टू जीरो। एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा, सो एक्स प्लस फाइव इजकल टू जीरो, सो यहाँ से एक्स इजकल टू माइनस फाइव आ गया। तो एक्स इजकल टू ये जो माइनस फाइव आया है, माइनस फाइव इज अ जीरो ऑफ एक्स प्लस फाइव। एक्स प्लस फाइव का माइनस फाइव जीरो है, क्योंकि अगर एक्स की जगह माइनस फाइव पुटअप कर लेते हैं तो माइनस फाइव प्लस फाइव कैंसिल होकर जीरो आ जाता है, सो ऐसे भी हमने चेक कर लिया, सो माइनस फाइव इनके जीरोस हो गए। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी चेक कर लेते हैं।
इसी में दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू x माइनस फाइव के जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो बाय प्रॉपर्टीज जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, दैट मीन्स x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। और यहाँ से x की वैल्यू फाइव आ गई, तो x इज इक्वल टू फाइव जो है वो इनका जीरोज है, दस द जीरोज ऑफ x माइनस फाइव इज फाइव। सिमिलरली अगर हमें जीरोज फाइंड आउट करना है टू एक्स प्लस फाइव का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को जीरो कर लेना होगा और 2x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, 2x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू सिंप्लीफाई करके आएगी माइनस फाइव बाई टू, और ये जो माइनस फाइव बाई टू होगा वो गिवन पॉइंट नंबर्स का जीरो होगा। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, वहाँ पर ए जीरो की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, और इस केस में हमें ए एक्स का जीरो निकालना है, तो हम करते हैं पी एक्स इजिकल टू जीरो, ए एक्स इजिकल टू जीरो, सो एक्स इजिकल टू जीरो अपॉन ए इक्वल टू जीरो। सो पी एक्स इजिकल टू ए एक्स का जो जीरो होगा वो होगा आपका जीरो, सो अ जीरो ऑफ ए एक्स इज जीरो। ऑन द सेम वे अगर हमें सेवेंथ में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स इजिकल टू सी एक्स प्लस डी का जीरो फाइंड आउट करना है, तो पी एक्स इजिकल टू जीरो कर लेंगे, सो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग डी को शिफ्ट करेंगे, सी एक्स इजिकल टू माइनस डी, एंड x की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस डी बाई सी हो जाएगी, और यही माइनस डी बाई सी जो है आपका पी एक्स मतलब सी एक्स प्लस डी का ये जीरो है। तो इस फोर्थ क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर पॉलीनोमियल्स हमारे पास गिवन हो तो, और इस केस में अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फाइव आपके दिया हुआ है, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, तो इस केस में हमें पी टू माइनस पी वन प्लस पी माइनस वन बाई टू की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और सेम क्वेश्चन आपका ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक बुक्स आती है उसमें सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इंडिविजुअल एक एक टर्म्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले आप x की जगह पे 2 पुट अप करके इसका वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट x की जगह पे माइनस वन पुट अप करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और x की जगह पे माइनस वन बाई टू पुट अप करके इनका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो वैल्यू आएगा उनको कंसर्न पोजिशन पे रख करके हमें सॉल्व करना होगा। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर x की वैल्यू को माइनस वन पुटअप किया, और इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे माइनस वन पुटअप करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद p माइनस वन का रिजल्ट हमारे पास 8 आ गया। सेम वे x की जगह पे हमने 2 पुटअप किया इस इक्वेशन में, सो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 हो गया, सो 4 माइनस 8 प्लस 3 सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस वन आया। ऑन द सेम वे पी माइनस वन बाई टू की वैल्यू निकाली, दैट मीन्स कि गिवन पॉलीनोमियल में एक्स की जगह पे माइनस वन बाई टू हमने यहाँ पुट अप कर लिया, माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर माइनस फोर इन ब्रैकेट माइनस वन बाई टू प्लस थ्री कर लिया। और क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाता है, टू स्क्वायर फोर हो जाता है, नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट यहाँ 2 आएगा, 2 टू जा 4 और प्लस 3 रह जाएगा, सो 2 प्लस 3 आपका हो जाएगा 5 एंड 1 बाई 4 आपका यहाँ पर आ गया। इनको ऐड करेंगे 5 4 जा 20 और प्लस 1 21 बाई 4 हो गया, सो p माइनस 1 बाई 2 की वैल्यूज हमारे पास 4 आ गई। और जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है अब इन्हीं वैल्यूज को हम गिवन एक्सप्रेशन में पुट अप कर लेते हैं। हमें निकालना था पी टू माइनस पी माइनस वन प्लस पी माइनस वन बाई टू, पी टू की जो वैल्यूज आई थी वो हमारे पास आई थी माइनस वन, एंड पी माइनस वन की जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज आई थी हमारे पास 8, और ये माइनस पहले से है तो ये माइनस यहाँ पर आ गया, और पी माइनस वन की जो वैल्यूज आई थी वो आई थी 21 बाई 4। और अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स माइनस वन माइनस 8 आपका माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 21 बाई 4, 9 इंटू 4 36, सो ये माइनस 36 प्लस 21, और माइनस 6 प्लस 31 जो रिजल्ट होगा वो माइनस 15 होगा, डिवाइडेड बाई 4। तो
ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने कवर किया, और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।